ओम शांति मीठे बच्चे, आज की मुरली 15 मई 2024 दिन बुधवार की संपूर्ण मुरली। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार, प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। प्रश्न, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती, बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे यह तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो, इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहां जाने लिए। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे, समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश की जाती है बड़े ते बड़ा कोई आए, किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है, ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं, कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लेखक पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, यहां तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं, माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लोभ ही नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो, हार होवे ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती हैं। युद्ध में भी तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। परंतु बाप समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी, तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात ही नहीं, परंतु यह समझते नहीं हैं। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है, यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं, वह तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है यह फूल बनने वाले हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे तो सब हाथ उठाते हैं, यूं तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी, एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है, बच्चे प्यारे होते हैं
तो मां बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार न हो। सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे न हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए वा पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर्स हो। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले फले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो। वह है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। यह नहीं समझते कि हम शांतिधाम में थे, फिर वहां से आए ही हो पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ फिर हम जहां से आए हैं वहां जरूर जाएंगे। सभी शांतिधाम से आते हैं। सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहां सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती। फिर पूजा किसकी करें, तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया। यह भी एक वंडर है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है किनकी दबी रहेगी धूल में। तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले फले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहां ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहां कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल हैं ना, यहां सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं।
तब बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना? यह भी बाप ने समझाया है, सत्युग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना? कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो ना, आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है। यह भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं। तुम भी फेरते थे ना? अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं यह भी भक्ति है। यहां तो एक को ही याद करना है और बाप खास कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देहाभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब मामे कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। इन ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वह तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहां भी है। क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है, उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। कभी बंद नहीं होता, यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं यह पवित्र है, दूसरे तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। यह भी जानते हो धरती कलराठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहां ही सब अनुभव कराते हैं, स्वर्ग कैसा होगा? अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नूद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है। वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं तुम ध्यान में देखा कर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आंखों से देखेंगे, फिर है पुरुषार्थ पर। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है, देखा गया। बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं, तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती।
भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना? शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है। शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितने प्रबंध करती है। कहीं हमारा यह शरीर छूट न जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है। तुम भी तमोप्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है। यह तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, पांच तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मनमनाभव। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है, इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता किनकी दबी रहेगी धूल में। दो कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वत सफलता मिलती रहती है। स्लोगन सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं एड हो जाएंगी।